आज सुबह 7:30 के करीब स्थानीय थाना प्रभारी को मौरिया पंचायत और माघर पंचायत में संदेहास्पद मौत की सूचना मिली। वहां से अभी तक कुल 15 लोग सदर अस्पताल लाए गए हैं। कुल 4 लोगों की मौत हुई, 8 लोग अभी सिवान सदर अस्पताल में इलाजरत है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मेरा नाम फहीम खान है। सिवान में जहरीली शराब पीने के वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। अब इस पर जिला अधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता का एक बयान सामने आया है, जिसमें जिला अधिकारी ने यह दावा किया है कि लगभग 4 लोगों की मौत हुई है और 8 लोग जो है वो उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं 3 लोगों को पटना PMCH भी रेफर कर दिया गया है। जिला अधिकारी के अनुसार इस चपेट में लगभग 15 लोग आए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि लगभग 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन जिला अधिकारी ने जो बयान दिया है, उस बयान में जिला अधिकारी ने इस बात का दावा किया है कि 3 लोगों की मौत हुई है और एक की स्थिति गंभीर देखते हुए सिवान सदर अस्पताल से पटना रेफर किया गया, जिसकी स्थिति गंभीर थी और रास्ते में उसकी मौत हो गई है। सुनिए इस पूरे मामले पर जिला अधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं। आज सुबह 7:30 के करीब स्थानीय थाना प्रभारी को कौड़िया पंचायत और माघर पंचायत में संदेहास्पद मौत की सूचना मिली। वो सूचना तत्काल मुझे और SP साहब को भी प्राप्त हुई। तुरंत कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महाराजगंज और भगवानपुर प्रखंड के सभी पदाधिकारियों की टीम बनाकर माघर और कौड़िया पंचायत हम लोगों ने भेजा। साथ में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस भी भेजे गए। उसी दौरान हम लोगों ने सदर अस्पताल सिवान में भी सिविल सर्जन के नेतृत्व में एक मेडिकल टीम का गठन करके सदर अस्पताल को भी पूरी तरह से तैयार कराया। साथ ही CHC बसंतपुर को भी इसके लिए रेडी रखा। जब अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वहां पहुंचे तो स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय प्रमुख, उप प्रमुख और माननीय मुखिया जी के द्वारा सारी घटना की जानकारी दी गई। वहाँ से अभी तक कुल 15 लोग सदर अस्पताल लाए गए हैं, जिसमें से 3 लोगों जो आए वो ऑलरेडी उनकी मृत्यु हो चुकी है। एक को इलाज के क्रम में रेफर करना पड़ा पटना, और पटना जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। तो कुल 4 लोगों की मौत हुई है, 8 लोग अभी सिवान सदर अस्पताल में इलाजरत है, जिनमें सबकी स्थिति सामान्य है। एक व्यक्ति की स्थिति थोड़ी नाजुक है, जिसको हमारे डॉक्टर्स की टीम लगातार देख रही है, और 3 लोगों को हम लोगों ने पटना रेफर किया है PMCH। सिविल सर्जन सिवान के द्वारा पटना PMCH के अधीक्षक महोदय से भी वार्ता कर ली गई है। वहाँ भी उनकी टीम पूरी तरह से तैयार है, यहाँ से जब मरीज वहाँ पहुँचे तो उनका समुचित इलाज हो। इस प्रकार कुल 15 लोग सदर अस्पताल आए, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई, 3 लोगों की मृत्यु ब्रॉड डेड थी, 1 रेफर के क्रम में, 8 लोग यहाँ इलाजरत है और 3 पटना PMCH। इसके बाद हम और SP साहब स्वयं हम लोग सुबह से गौरिया पंचायत और माघर पंचायत में हम लोग गए थे। हम लोग जो 3 जगह पे जो घटना हुई है वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ के चौकीदार, 2 चौकीदार हैं, उसको तुरंत निलंबित कर दिया गया है। साथ ही में स्थानीय थाना प्रभारी और मद्य निषेध का थाना महाराजगंज पड़ता है, जिसके क्षेत्र में यह जगह पड़ता है, वहाँ पे भी हमारे SI और ASI पोस्टेड हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ सचिव मद्य निषेध विभाग के द्वारा भी एक टीम पटना से घटनास्थल पर भेजी जा रही है। जिला स्तर से भी हम लोग अपर समाहर्ता के नेतृत्व में प्रथम दृश्य इंक्वायरी के लिए एक टीम का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार तुरंत कार्रवाई करते हुए कार्रवाई भी की गई है, लोगों को लाया भी गया है। साथ ही दोनों पंचायतों में हम लोगों ने अभी वर्तमान में भी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस पदाधिकारी को रखा है। साथ में पंचायत में ही एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, यदि कोई व्यक्ति और बीमार पाए जाते हैं तो उनको हम लोग त्वरित गति से सदर अस्पताल या स्थानीय CHC में ला के उनका इलाज कराया। सर, मौत पहचान की गई है सर, कि आखिर ये शराब कहाँ से, किस तरीके से, कौन लोग हैं सर ये? इसमें मृत्यु का जो कारण है वो निश्चित रूप से पोस्टमार्टम और बाकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह मद्य शराब के कारण हुआ है, इसलिए जब तक पूरी जानकारी हम लोगों को विश्रा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग कंफर्म नहीं कर पाएंगे। अभी तक मौत क्या करा सर, क्या आया सामने? टोटल 4 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग ब्रॉड डेड थे, 1 रेफर के क्रम में 1 की मौत हुई। कुछ संदिग्धों के नाम हम लोग को प्राप्त हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं और हमारे थाना प्रभारी SDPO ने जो भी अभी देखा है स्थल पर, कुछ संदिग्धों के नाम प्राप्त हुए हैं। SIT गठन करके SP साहब के द्वारा लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से जो लोग भी इसमें यदि संलिप्त होंगे, यदि घटना यदि यह शराब के कारण हुई
और उस तो उसमें जो भी लोग संलिप्त होंगे उसको तुरंत पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय चौकीदार थाना आरोप लगाया जा रहा है, तो हम जैसा हमने बताया कि दोनों चौकीदारों को एसपी साहब ने तुरंत निलंबित कर दिया है, और स्थानीय थाना अध्यक्ष मद निषेध का भी थाना वहाँ चलता है महाराजगंज, जिसके अंतर्गत भगवानपुर प्रखंड आता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की प्रक्रिया जारी है। तो आपने सुना जिला अधिकारी ने क्या कुछ कहा है। जिला अधिकारी ने साफ तौर पर यह कहा है कि 4 लोगों की मौत हुई है, अन्य लोगों का इलाज जो है वो सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कार्रवाई की, तो पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां 2 चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है, और जो है कि भगवानपुर थाने में पदस्थापित जो वहां पदाधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई करने की बात जिलाधिकारी ने साफ तौर पे कहा है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जिलाधिकारी ने जो दावा किया है वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। अब तक लोगों की मरने की जो संख्या है वो लगभग 10 से पार हो चुकी है, और बीते रात की बात करें तो एक व्यक्ति को मौत के बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। एक तस्वीर और सामने आई है जिसमें जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो वहां मौजूद पदाधिकारी जो है वो कफन के सहित उस व्यक्ति को उठा करके सिवान सदर अस्पताल भेज रहे हैं, एम्बुलेंस में लोड कर रहे हैं, उन्हें डाल रहे हैं एम्बुलेंस में, ये भी तस्वीर निकल करके सामने आई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ते जा रही है, और अभी भी जो गाँव में पदाधिकारी मौजूद है वो एक एक घर को जा करके तलाश कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो शराब पी करके और उसकी हालत गंभीर हो और प्रशासन के डर से वो बाहर नहीं निकल रहा हो। हालांकि जिला अधिकारी ने 4 लोगों की पुष्टि की है, स्थानीय लोगों के द्वारा लगभग 10 लोगों की मरने की खबर सामने आई है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।